लोनी क्षेत्र की लालबाग फल मंडी में भीषण आग लगी। आग लगने से 2 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। लालबाग मंडी के प्रधान मान सिंह का आरोप है कि लोनी नगर पालिका की साजिश होने का शक है। पहले कई बार लोगों ने जगह खाली कराकर नगर पालिका अपना कब्जा जमा सके। सन 2000 में लोनी बाजार से हटवाकर गाजियाबाद डीएम साहब ने लालबाग मंडी में जगह दी थी व्यापारियों की, जिस पर हमेशा नजर रही है। लोनी नगर पालिका की ये आग साजिश है जिससे कि सब व्यापारी यहां से डर कर चले जाए, मगर वह जाने वाले नहीं। और उन्होंने कहा कि वह सरकार से भी मुआवजे की मांग करेंगे कि सरकार सब व्यापारियों की मदद करे, और मदद नहीं मिली तो वह सब धरने पर बैठेंगे। प्रधान जी, क्या हुआ है यहाँ मंडी में? भैया, ये हमारे साथ में एक साजिश के तहत ये घटना हुई है। ये मंडी में जो आग लगी है ये कोई अकस्मात घटना नहीं है, ये इसको साजिश के तहत आग लगाया गया है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये साजिश है? क्योंकि हमें यहाँ से बार बार भगाने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं जो भगाना चाहते हैं? नगर पालिका हमें चाहती है कि हम यहाँ से भाग जाए। तो आपका कहने का मतलब है ये आग नगर पालिका ने लगाई? कुछ लोग भू माफिया हैं जो नगर पालिका से एडजस्ट हैं। क्या नाम है उनके? नाम मैं नहीं जानता उनके, बाकी बार बार वो लोग यहाँ पर इस तरह की हरकत करते हैं। कितना नुकसान हुआ है? करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान है इस मंडी का। कितने ठियों में आग लगी है? 50 ठियों में आग लगी है। क्या क्या सप्लाई होता है यहाँ से? यहाँ पर अभी फिलहाल में संतरा है, अंगूर है, पपीता है, आम है, चीकू है, अनार आ रहा है। और क्या क्या है इसके अलावा? यहाँ पर फल की मंडी है, सिर्फ ये सब्जी मंडी उस साइड है और फल मंडी इस साइड है। अब आपका क्या कहना है शासन से? मैं तो ये कहना चाहता हूँ भैया, मेरे जो आढ़तियों का नुकसान हुआ है वो 4 बार घटना हो चुकी है और अभी तक प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। अब आप क्या करेंगे? आज यहाँ पर जो घटना हुई है उसमें 3 घंटे लेट हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं। क्या चाहते हैं अब आप? मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि ये इन लोगों के खिलाफ जो FIR दर्ज हो, जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, और मेरे आढ़तियों के नुकसान की भरपाई हो। आपका कहने का मतलब है कि 3 मरतबा और हो चुका है? पहले हो चुका है जिसमें प्रशासन से मुझे कोई मदद नहीं मिली है। और आगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसके लिए धरने पर बैठूंगा, प्रशासन के नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि नगर पालिका के साथ में मिल करके कुछ भूमाफिया इस जमीन को बेचना चाहते हैं और वो बार बार हमें यहाँ से प्रताड़ित करके भगाना चाहते हैं। कितने साल से ये मंडी यहाँ है? सन 2000 से ये मंडी यहाँ पर है। तो किसी ने पारित की थी? ये नगर पालिका द्वारा हम बैठाए गए यहाँ पर, और नगर पालिका ही हटाना चाहती है? नगर पालिका हटाना चाहती है क्योंकि ये जमीन का जो यहाँ रेट है वो इतना जबरदस्त है कि उन लोगों के मुंह में पानी आया हुआ है कि इसे बेच लें, क्योंकि यहाँ इधर उधर और भी कब्जे हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बिल्डिंग कितनी बड़ी खड़ी है, ये सब कब्जा हुआ है, ये सब इसकी वन विभाग की जमीन है जिसमें कब्जा किया गया है। आपका कहने का मतलब है आप इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? भैया, कार्रवाई करना है, हमें FIR दर्ज कराएंगे। शासन अगर नहीं करता तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे।